सो ही गाइस, चलिए आज बनाते हैं DIY ईयररिंग्स। तो यहाँ पर मैं फेविक्रिल मोल्डेड क्ले का यूज करी हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। एंड अब मैं इसे देखिए इस तरीके से राउंड शेप का कट कर रही हूँ। तो टू स्मॉल राउंड कट करना है एंड टू बिग राउंड्स। एंड अब मैं इसे अच्छे से रिमूव कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे राउंड्स तो कट हो चुके हैं एंड अब इसे और अच्छे से शेप दे देते हैं। एंड अब मैं इसमें इंसर्ट करी हूँ हुक। ईयररिंग के लिए मैं यहाँ पर हुक इंसर्ट करी हूँ जो कि सपोर्टर रहेगा। एंड इसे मैं अच्छे से अब क्ले की हेल्प से सील कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे सील कर लिया है एंड अब ये सील हो चुका है अच्छे से। तब इसे ड्राई होने के लिए रख देते हैं। तो गाइस ड्राई होने के लिए आपको जस्ट इसे ओपन स्पेस में फॉर 2 आवर्स रख देना है। 2 आवर्स में ये अच्छे से कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा। तब ड्राई होने के बाद मैं इसे कलर कर लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से इसे कलर कर लेते हैं। तो आप कोई भी अपने चॉइस का कलर कर लेना। मैंने 2 क्यूट कलर्स इसमें किए हैं तो काफी अच्छी बनी है गाइस। तो चलिए अब इसमें ईयरिंग हो गई इंसर्ट कर देते हैं। प्लीज गाइस मेरे हार्डवर्क के लिए सब्सक्राइब तो करके ही जाना गाइस। तो चलिए अब मैं इसमें ईयरिंग हो गई इंसर्ट करके वार्निश का एक कोट अप्लाई कर देती हूँ ताकि वाटर प्रूफ हो जाए। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।